वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज हम पढ़ने वाले हैं एसटीआर सीएमपी आई फंक्शन के बारे में, राइट। लास्ट लेक्चर में हमने एसटीआर सीएमपी और इसके जितने भी इधर हैं 1 से 6 तक हम इन फंक्शंस के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम ये फंक्शन पढ़ने वाले हैं एसटीआर सीएमपी वाई। तो उससे पहले अगर आपको याद हो तो एसटीआर सीएमपी फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, जो बेसिकली क्या करता है, इस फंक्शन में जो भी हम अरे पास कर देते हैं उनमें रखी हुई स्ट्रिंग को ये कंपैरिजन करता था। सिमिलर थिंग्स जो एसटीआर सीएमपी आई फंक्शन होता है वो भी करता है। अगर इसमें भी हम दो अरे पास करें तो ये भी उन दोनों अरे में रखी हुई स्ट्रिंग का कंपैरिजन करता है। लेकिन हमने लास्ट लेक्चर में शायद सीखा था या नहीं, याद नहीं आ रहा है, जो एसटीआर सीएमपी फंक्शन होता है वो केस सेंसिटिव होता है। मतलब जब ये फंक्शन स्ट्रिंग को कॉपी करता है तो एक एक कैरेक्टर को कॉपी करता है, पहले कैरेक्टर को पहले कैरेक्टर से, दूसरे कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से। तो अगर कहीं पर मान लीजिए इसको लोअर केस में कोई कैरेक्टर मिलता है या वही सेम कैरेक्टर अपर केस में मिलता है, तो जो एसटीआर सीएमपी फंक्शन होता है इन दोनों कैरेक्टर्स को वो डिफरेंट डिफरेंट मानता है, सेम कंसीडर नहीं करता। ये कैरेक्टर लोअर केस में है जबकि यही सेम कैरेक्टर अपर केस में है, तो एसटीआर सीएमपी फंक्शन इन दोनों कैरेक्टर्स को अलग अलग मानेगा। बल्कि एसटीआर सीएमपी वाई फंक्शन सीएमपी आई फंक्शन इन दोनों कैरेक्टर्स को सेम कैरेक्टर कंसीडर करता है, यही दोनों में डिफरेंस है, इसके अलावा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इस एसटीआर सीएमपी आई फंक्शन में भी हम दो आर्गुमेंट्स पास करते हैं। पहला आर्गुमेंट्स जो हम पास करते हैं वो पहले अरे का बेस एड्रेस, दूसरा आर्गुमेंट्स दूसरे अरे का बेस एड्रेस। जिन दो अरे में रखी हुई स्ट्रिंग को हमें कंपैरिजन करना होता है उन दोनों अरे का बेस एड्रेस हम पास कर देते हैं। तो ये फंक्शन जो होते हैं, चाहे वो एसटीआर सीएमपी फंक्शन हो या एसटीआर सीएमपी आई फंक्शन हो, अगर वो स्ट्रिंग रखी हुई अरे दोनों अरे में जो स्ट्रिंग है वो सेम है तो फिर जी रिटर्न करते हैं, या अगर पहली स्ट्रिंग जो है पहले अरे में जो स्ट्रिंग रखी है उसकी लेंथ दूसरे अरे में रखी स्ट्रिंग से छोटी है तो वो लेस देन जीरो मतलब कि -1 रिटर्न करते हैं, लेस देन जीरो वैल्यू रिटर्न करते हैं, या पहले अरे में रखी स्ट्रिंग की लेंथ बड़ी है जो दूसरे अरे में स्ट्रिंग है उससे तो ये ग्रेटर देन जीरो वैल्यू रिटर्न करते हैं मतलब कि +1 रिटर्न करते हैं। बस यही दोनों में, इन दोनों में अंतर क्या है कि जो एसटीआर सीएमपी फंक्शन होता है इन दोनों कैरेक्टर को अपर केस में हो या लोअर केस में हो उनको डिफरेंट मानता है, लेकिन एसटीआर सीएमपी आई फंक्शन इन दोनों कैरेक्टर को वो डिफरेंट डिफरेंट नहीं मानता बल्कि सेम मानता है, राइट। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर इस ए को मैं स्मॉल ए से हटा के कैपिटल ए कर दूं, कैपिटल ए कर दिया, और मैं एसटीआर सीएमपी फंक्शन का यूज करके इन दोनों अरे में रखी स्ट्रिंग को कंपैरिजन करूं तो क्या है, ये दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं मानी जाएंगी। बल्कि एसटीआर सीएमपी आई का अगर मैं फंक्शन का यूज करके इन दोनों अरे में रखी स्ट्रिंग को कंपैरिजन करूंगा तो ये दोनों स्ट्रिंग सेम मानी जाएंगी, ओके। तो चलिए अब कोडिंग में देखते हैं, जो कोडिंग हमने एसटीआर सीएमपी फंक्शन को करते समय देखा था उसी में हम थोड़ा सा चेंजेस करके कर सकते हैं, ओके। तो यहां पर देखिए ये हेडर फाइल वगैरह हमने इंक्लूड कर ली है, जो str1 नाम का अरे है उसमें है हेलो स्मॉल में। फिर जब हम यहां पर एसटीआर सीएमपी आई फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम जो अरे वन में वैल्यू है उसका कैपिटल हेलो से कंपैरिजन करेंगे, hello इससे कंपैरिजन करेंगे। तो जो ये हेलो है str1 अरे में है और ये हेलो है, ये दोनों सेम माना जाएगा, इसलिए आई में क्या होगा, जीरो होगा, राइट। जो एसटीआर सीएमपी आई फंक्शन होता है वो लोअर केस हो या अपर केस उन दोनों को सेम मानता है। फिर यहां पर देखिए एसटीआर सीएमपी आई को हमें कॉल करना है, इस बार हम जो दोनों अरे में स्ट्रिंग है हेलो एंड स्टूडेंट उसका कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो बराबर नहीं है, बल्कि जो पहले अरे में स्ट्रिंग है उसकी लेंथ दूसरे अरे से छोटी है इसलिए जे में क्या जाएगा, -1 जाएगा।
और दूसरी बार अगर यहां तीसरी बार देखें और हम सीएमपीआई फंक्शन को कॉल करें तो अरे वन में जो एसटीआर वन अरे है उसमें स्ट्रिंग है हेलो हेलो और जो यहां पर स्ट्रिंग है एबी है, इसलिए इसकी लेंथ इस एबी स्ट्रिंग से बड़ी है, इसलिए क्या रिटर्न होगा? प्लस वन रिटर्न होगा। तो जीरो माइनस वन प्लस वन रिटर्न होगा। ये बिल्कुल सिमिलर है एसटीआर सीएमपी फंक्शन की तरह। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये लोअर केस हो या अपर केस, इन दोनों को सेम कंसीडर करता है, राइट। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो आउटपुट हमारा आना चाहिए। ओके, तो देखिए, ओके, फिर से मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, देखिए, ओके, देखिए यहां पर क्या आया है, जीरो माइनस इलेवन सात आया है। ये क्यों आया है? देखिए, अगर पहले अरे में रखी स्ट्रिंग छोटी है दूसरे अरे से तो वो निगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, लेस देन जीरो, तो यहां पर वो इलेवन रिटर्न, माइनस इलेवन रिटर्न हुआ है। और अगर पहले अरे में रखी स्ट्रिंग यहां पर थर्ड केस में दूसरे अरे में रखी स्ट्रिंग से बड़ी है या दूसरे स्ट्रिंग से बड़ी है उसकी लेंथ, तो प्लस वैल्यू रिटर्न करेगा, ग्रेटर देन जीरो, तो यहां पर सेवन रिटर्न हुआ है। अच्छा देखिए, हो सकता है कि ये फंक्शन जो एस टी आर सी एम पी या एस टी आर सी एम पी आई फंक्शन हो, ये ASCII वैल्यू का डिफरेंस भी रिटर्न करे, राइट। ASCII कोड होता है, जितने भी करेक्टर्स होते हैं हमारे पास, जितने भी आपको कीबोर्ड पे दिख रहे हैं उन सबका ASCII कोड होता है। तो जो पहला मिसमैच करेक्टर होता है, जैसे यहां पर H है S है, तो जो पहला मिसमैच करेक्टर उनको मिलेगा उनकी ASCII वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो रिटर्न हो सकता है, राइट। तो आप ये याद रखें, अगर दोनों सिमिलर स्ट्रिंग हैं तो जीरो रिटर्न हो रहा है, और अगर पहली स्ट्रिंग की लेंथ छोटी है दूसरी स्ट्रिंग से तो निगेटिव वैल्यू लेस देन जीरो रिटर्न होगी, और अगर पहली स्ट्रिंग की लेंथ बड़ी है दूसरी स्ट्रिंग से तो फिर पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन जीरो रिटर्न होगी। ओके, सो आई होप कि आपको अब ये प्रोग्राम समझ में आया हो और ये दोनों फंक्शन आपको समझ में आए हो। अभी यहां पर हम इस फंक्शन को कॉल करके यूज कर रहे हैं, अपने अपकमिंग वीडियोज में हम इन फंक्शन की डिफिनेशन किस तरह से करते हैं वो सीखने वाले हैं। इन फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे और उस केस में आप देखेंगे कि हम string.h हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो फंक्शन हम खुद डिफाइन करने वाले हैं, राइट। ये फंक्शन प्री डिफाइंड है, उनको यूज करने के लिए हमने ये हेडर फाइल इंक्लूड की है, लेकिन जब इन फंक्शन की हम खुद डिफिनेशन लिखेंगे तो हमें इन फंक्शन की जो हेडर फाइल है इसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच।